बिल्कुल सर, भारत के कानून मंत्री की तरह दिखता है। बिल्कुल, आप भी लद्दाख की है, वो आपकी जो बातचीत है, जो आपकी जो हम तो एक तरह से जो आपकी बिल्कुल शक्ल है, वो कानून मंत्री लगते हैं। मैंने सोचा आप इंडिया के कानून मंत्री आ गए यहाँ पे। भाई यार ऐसा तो यहाँ धर्मपुर में आने का मकसद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक अच्छा सा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि मेंटलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे जो मेंटल पर्सन है, जो थोड़ा इस तरह का जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, उनका अच्छा ट्रीटमेंट होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल है ये। जो यहाँ का लोकेशन है, मेरे बैग में आप देख रहे होंगे, यहाँ से थोड़ा गाँव की तरफ रास्ता जाता है। तो मैं आपको अपना फ्रंट भी दिखाऊँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा फ्रंट व्यू है, यहाँ से मैं आया हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था। धूप थोड़ी कम है, बेशक देखिए आपको धूप सूरज दिख रहा होगा, थोड़ा कम है, सुबह सुबह का टाइम है। ये सामने का दृश्य देखिए, वो जो सामने जो गाड़ी जा रही है वो चंडीगढ़ की तरफ को जा रहा है, वो ऊपर से है ना, तो वहीं से उसी रोड से मैं आया था। तो आप हाईवे से निकल के मैं इसमें लिंक रोड में आया हूँ। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, देखिए सुंदर कितना अच्छा है, बिल्कुल वो छोटे छोटे मकान जैसे बने हुए हैं ढलान में, थोड़ा सा खोद के बेस बना के। सामने पहाड़ी देखिए, बिल्कुल ग्रीनरी है। मैं सोच रहा था यही पल आप लोगों के साथ शेयर करूं, यही चीज़ आप लोगों को दिखाऊं। सफ़र का मैं बताऊं, सफ़र कैसे काटा। ये हमारी कार है, अब देख रहे होंगे, तो इसी से मैं आया हूं। तो आज भी इस सफ़र में भी मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहां पे आया हूं। फ्रेंड्स, तो यहां पे मैं धर्मपुर के लिए जो हाईवे से रास्ता काटा था, हॉस्पिटल क्या नाम बताया भाई, हॉस्पिटल का नाम भूल गया मैं, हैं डॉक्टर, हाँ यस डॉक्टर वीरेंद्र मोहन है ना, उनके पास उनके हॉस्पिटल में है मुझे जाना है। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पे मुझे लगा एक भाई है, दुकान है, तो इनसे मैं सोचा कुछ सामान खरीदूं। ठीक है, आपसे सामान तो मैंने ले लिया, वो चीज़ तो मैं अपने व्यूवर्स को शेयर नहीं करूँगा क्या लिया, ठीक है, बट जो भी है हमने लिया है। तो ये बताए भाई, क्या नाम है आप दोनों का? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, बहुत अच्छा। आपका? जितेंद्र। आपका जितेंद्र, क्या यार कमाल हो गया, आप लोगों का नाम कॉम्बिनेशन एक जितेंद्र एक हितेंद्र, कमाल हो गया। नहीं कमाल, और वेरी गुड। कहाँ से है मेरे भाई आप दोनों? यही धर्मपुर से ही है। गुड यार, मुझे ये बताइए थोड़ा धर्मपुर के बारे में, थोड़ा कुछ बता दीजिए धर्मपुर में। टीवी सेंटोरिया में जो लॉर्ड हार्डिंग ने बनाया था, ओके, ये सामने आपके सामने दिख रहा है वो सामने। अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग ने बनाया था सेंटोरियम, सेंटोरियम ब्रिटिश शासन काल, ब्रिटिश शासन काल में ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा यार। और यहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है यहाँ पे, और धर्मपुर में, धर्मपुर में ना, जिसका 100 साल पूरे हो चुके हैं। अच्छा जी। हाँ, और आपके सामने बिल्कुल सामने यहाँ पे स्टेशन है धर्मपुर का, स्टेशन है धर्मपुर का, कालका से शिमला चलती है। अरे गुड़िया, टॉय ट्रेन बोलते हैं, टॉय ट्रेन ना, टॉय ट्रेन, हाँ, जो कालका शिमला चलता है वही है ना। हाँ, तो मेरे भाई आप जितेंद्र भाई है ना? जी जी सर। आप जितेंद्र है, तो आप यार इस अपने जो हिस्टोरिक टॉय ट्रेन के बारे में थोड़ा बता रहे थे, उसके बारे में बताना थोड़ा। जी सर, ये इनको 110 ईयर हो गए है। अरे गुड यार, 110 साल हो गए इसको, 110 साल हो गए है। ये वाल्को जी ने बनाई थी, जो हमारे यहाँ हमारे हिमाचल के थे। अच्छा, और ब्रिटिश काल में ये बनी थी, ब्रिटिश काल में बना था, ब्रिटिश काल में बना था। इसको वर्ल्ड हेरिटेज ने इसको घोषित कर रखा है। ओके, और इसकी जो संभाल है वो सब वही करता है, वर्ल्ड बैंक की करता है सारी संभाल। अच्छा, वर्ल्ड बैंक इसके लिए वर्ल्ड बैंक करता है। ये शिमला कालका से शिमला चलती है, कालका शिमला चलता है। इसमें 7 डब्बे हैं, 7 डब्बे हैं, और बहुत ही इंजॉयफुल सफर है इसमें। अच्छा गुड यार, कालका से आपको कम से कम और शिमला तक 6 घंटे लगेंगे। अच्छा जी, 6 घंटे लगे, कार से तो 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा है ना। और धर्मपुर से शिमला के लिए आपको 3 घंटे उस ट्रेन से लगेंगे। हाँ, 3 घंटे लगेंगे। हाँ जी, ओके ओके गुड। हाँ, और जी सर, जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, वो पिछले डॉक्टर वीरेंद्र मोहन, उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ जी, वो पिछले 70 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उन्होंने MD कर रखी है, PGI चंडीगढ़ से। वेरी गुड, बहुत ही काबिल डॉक्टर है।
अच्छा काफी एज हो चुके हैं फिर भी वो बहुत काबिल है, उनके काफी कम से कम उनका पेशेंट होगा कम से कम 1,00,000 पेशेंट होगा उनका। हाँ, अच्छा बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात उन्होंने ऐसी तसल्ली दी कि कह रहा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी 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 इससे अच्छा मोरली सपोर्ट क्या मिलेगा है ना। सबसे बढ़िया इसमें कि आप कॉन्फिडेंस जगाओ अपना, आप काम करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप नॉर्मल हो जाएंगे, मेडिसिन ना छोड़ें, योगा करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें जिंदगी में, और जिंदगी में कभी हार ना माने। बहुत अच्छा। जब आप हार मान गए तो आप नेगेटिव में चले गए, हमेशा पॉजिटिव जीना चाहिए आदमी को, और जब आप पॉजिटिव में जाएंगे तो आप यहाँ बैठे ही चांद पे पहुँच जाएंगे। हाँ, कमाल हो गए। आपके ना बातें सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत प्रेरणादायक है सच। थैंक यू सर। तो मैं आपके उससे जो है ना माध्यम से जो आपसे जो मुझे थोड़ी सी वो नॉलेज मिली है जी सर, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, इस तरह का यदि कोई मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट है जी तो उनके लिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल ये है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा है ना। तो बढ़िया, ठीक है। साइको पेशेंट का भी घबराना चाहिए नहीं, घबराना चाहिए, घबरा गया तो समझो आप बिल्कुल आप अपनी एनर्जी खत्म कर देंगे। अरे गुड़िया। और आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप काम करें, घर का काम करें, घूमें फिरे, यारों दोस्तों से मिले, पॉजिटिव रखें, चलो थोड़ा बहुत नशा ना करें तो बेटर है इसमें। आप बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया यार। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सर। आप और कुछ कहना चाह रहे हो? सर आप बिल्कुल कानून मंत्री लगते हैं, जैसे आप लद्दाख के खुद चल के आया है। बिल्कुल सर, भारत के कानून मंत्री की तरह दिखता है। बिल्कुल आप भी लद्दाख के हैं, वो आपकी जो बातचीत है, जो आपकी जो हम एक तरह से जो आपकी बिल्कुल चक्कर है, वो कानून मंत्री लगते है। मैंने सोचा आप इंडिया के कानून मंत्री आ गए यहाँ पे। भाई यार ऐसा फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना, ये भाई कह रहा था कि मेरी शक्ल जो है जो हमारे देश के अपना कानून मंत्री है श्री किरण रिजिजू जी, मैं आपको बता दूंगा, एक चीज क्लियर बता दूं, वो लद्दाख से नहीं है, वो है अपना क्या नाम है अरुणाचल साइड से, ठीक है, वो अरुणाचल से है। तो मुझे अच्छा लगा आपने कहा कि ऐसा लग रहा था कि वो आ गए हमारे पास। हाँ। और मेरे शक्ल उनसे मिलता है, तो भाई इतने कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलकर। यस फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहाँ के रोड्स का नजारा एक बार दिखाऊं। बिल्कुल मोड़, और ये तीखे मोड़ है, बिल्कुल देखिए उनके बीच में जा रहे हैं, मजा आ रहा, आपको भी ये देख के बड़ा अच्छा लगेगा। जा रहा हूँ इसको अपने व्यूवर्स में शेयर करने पे अपने व्यूवर्स को काफ़ी फायदा हो सकता है, अपने व्यूवर्स के किसी पहचान में या फ्रेंड सर्कल में, या होता है मिलते हैं लोग इस तरह के जिनको ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ के बारे में मुझे लगा कि काफ़ी आप लोगों के हेल्पफुल हो सकता है ये, ठीक है ना। आपके मतलब थोड़े से छोटे से कोशिश से किसी इस तरह के पेशेंट को या इस तरह के किसी परिवार को बहुत अच्छा सुकून मिल सकता है, बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो हम पहुंच गए, जस्ट पहुंच ही गए हम लोग ना। एक बार मैं ये दिखा दूँ आपको, हॉस्पिटल ये है सामने मेरे राइट पे, और मैं आपको यहाँ का बोर्ड ये दिखा दूँ हॉस्पिटल, ये देखिए इस पे लिखा है नर्सिंग होम डॉक्टर वीरेंद्र मोहन MBBS। बता दूँ ये सामने देखिए, ये बिल्कुल चार दीवारी का रखा है, जाली करके बिल्कुल इस तरह का बना रखा है कि इस तरह का थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब जो पेशेंट होते हैं वो कहीं बाहर आ ना सके, अपनी मर्जी से निकल ना जाए किसी के, मतलब इस तरह से काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा है। यहाँ में बहुत फेमस है, एक दुकान पे मैं रुका था कुछ सामान के लिए, तो एक भाई साहब जो दुकान का ओनर था मिस्टर जितेंद्र, तो उन्होंने बताया इस डॉक्टर यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में, इस डॉक्टर के बारे में, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के कि जो है इस तरह का कम से कम बेनिफिट का है डॉक्टर, इतना फेमस है, अच्छा है ट्रीटमेंट इनका, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गाइडेंस पे ये जो पेशेंट है जो मेरे फ्रेंड का बेटा है उसको हमने यहाँ पे लाया, तो मुझे ऐसा लगा कि हम सही रास्ते पे सही जगह पे आ चुके हैं, तो इससे ये उम्मीद और दुगना हो चुका है कि हमारा जो पेशेंट है फ्रेंड का जो बेटा है जो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है पेशेंट है, वो उसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी राहत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह मैं आगे भी कोशिश करूंगा, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी मुझे मिलता है तो मैं बता दूं।
और इस सफर को, वापसी के सफर को भी मैं कवर करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा रास्ते का थोड़ा सा कैसा है यहाँ का ड्राइविंग का। बड़ा अच्छा है यहाँ के एटमॉस्फेयर, यहाँ का सड़कें, यहाँ के अच्छे से कर सकता, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका भी मैं यहाँ पर रुका और थोड़ी देर मैं सोचा यहाँ का भी एक नज़ारा आप लोगों को दिखाऊं। और एक बहुत अच्छा नज़ारा और है, ये देखिए सामने बिल्कुल पहाड़ी के दामन में, बिल्कुल साथ में देखो छोटे छोटे ये खेत बना के मकान कैसे बसा हुआ है पहाड़ में बिल्कुल। गर्मियों में बहुत आनंद आता होगा यहाँ पर, बहुत मज़ा आता होगा, है ना। ठंडी ठंडी हवाएं चलती होगी, बहुत अच्छा। तो रोड के किनारे एक बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, ये सामने से गाड़ियाँ और चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आते हुए मैं होके आया हूँ, तो मुझे भी इसी रोड से वापस जाना है। तो मैं सोचा यहाँ पर एक बार रुकूँ और ये जो नज़ारा है आप लोगों को एक बार दिखा दूँ पार्क का।
कालका शिमला टॉय ट्रेन इसका नाम है। बिल्कुल जंगलों में बीच में बिल्कुल तीखी पहाड़ी में देखिए कैसे चल रहा है। और बीच में छोटे से सुरंग था, सुरंग के अंदर की आप निकलने वाला है नाले में, आपको दिखे वो निकल गए, वो देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। ये कालका से शिमला को जा रहा है। ये अंग्रेजों के टाइप का बनाया हुआ है, कहते हैं माउंटेन में पहाड़ों में ट्रेन नहीं चलता, पर शिमला की पहाड़ी इतनी तीखी है तब भी ट्रेन चल रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ से फिर सुरंग के अंदर चला गया।